मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं भी अगर कर रहे हैं आप तो आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर बीच में अगर हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं तो एकदम से स्टार्ट करते हैं, अगर हम सोचें कि 2 से 5 से 6 घंटे की हम स्टडी कर लेंगे तो वो आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि सुपर टेट और सीटेट का सिलेबस कॉमन है और जिसके 100 नंबर से कम है सीटेट के अंदर, क्या उसको दोबारा एग्ज़ाम देना चाहिए। सच बताऊं तो आज मैं भी बहुत दिनों बाद जाके पढ़ने के लिए बैठी और मैं आप लोगों को इसलिए कह रही थी कि आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। और आज मैं जब पढ़ने के लिए बैठी तब बुक में मुझे एक पेपर मिला, तो उस पेपर को पढ़ रही थी कि पेपर कौन सा है। मुझे लगा जो मैंने KVS का एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड है, बट ये उसका एडमिट कार्ड नहीं था, ये जो मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था 2021 दिसंबर में, तो ये उसका एडमिट कार्ड था जो मेरा दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था और वही मैंने क्वालिफाई कर लिया था और मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी ही करी थी। तो चलिए हम बात करते हैं आज कि सुपर टेट की जो तैयारी है हम लोगों को कैसे करना चाहिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को कंफर्म है जो लगातार एसटेट की वैकेंसी से जुड़े हुए हैं और वो लोग वेट कर रहे हैं कि एसटेट की वैकेंसी कब आएगी। तो उन लोगों को मालूम है कि प्रयागराज और लखनऊ में लगातार धरना चल रहा है और वहाँ की शिक्षा मंत्री से भी बात हुई थी तो वो लोग कह रहे थे, शिक्षा मंत्री ने कह दिया था कि सुपर टेट की वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। सो गाइस, अगर आप लोग सुपर टेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तभी आप लोगों का सिलेबस कवर होगा, क्योंकि जो सुपर टेट का सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा है, उसका सीटेट से सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सीटेट में सिलेबस कम है, 5 सब्जेक्ट है, बट सुपर टेट का सिलेबस भी ज़्यादा है और सब्जेक्ट भी काफ़ी सारे हैं। आपको मैं बता दूँ कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात यही है इसके अंदर कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आज मैं बहुत दिनों बाद जाके पढ़ने के लिए बैठी थी इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप अब अगर आपने पढ़ाई छोड़ रखी है सीटेट के एग्ज़ाम के बाद या KVS के एग्ज़ाम के बाद, आप अपना रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे मेरी तरह, क्योंकि मैं भी KVS के रिज़ल्ट का वेट कर रही थी कि KVS का रिज़ल्ट आए फिर मैं उसके बाद में एसटेट की तैयारी करूँ। तो अभी तो KVS का रिज़ल्ट को समझ ही नहीं आ रहा है, कभी कुछ पोस्टपोन हो रहा है, कभी क्या चल रहा है उसका सीन के बारे में कुछ कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एसटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। और गाइस, अगर आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि साथ में मिलकर पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। और जब मैं आज पढ़ने के लिए बैठी ना तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं मतलब 1 घंटा भी कंटिन्यू बैठ के पढ़ नहीं पाई। और एक एक टाइम वो था जब मैं KVS की और सीटेट की तैयारी कर रही थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ KVS और सीटेट चलता था, जब मैं मतलब KVS का और सीटेट का एग्ज़ाम दे रही थी तो मैं दिन भर कंटिन्यू पढ़ती रहती थी, और साथ में मेरे पास 2 बच्चे, घर की जिम्मेदारी काफ़ी सारी थी और मैं कंटिन्यू पढ़ाई में करती चली जा रही थी। आप कहेंगे वो कैसे, तो मेरे पास फ़ोन है, मैं कोई कोचिंग नहीं ले रही थी, मैं कोई बुक नहीं परचेज़ की थी, मैंने सिर्फ फ़ोन से ही मैं पढ़ाई कर रही थी। और जैसे मैं किचन में काम करती थी तो मैं किचन में ले जाके फ़ोन को बैठ जाती थी और वहाँ पे सुनती रहती थी पढ़ती और वगैरह बनाती रहती थी, सिर्फ मैं यही काम कर रही थी। इसी से मेरा सेटेट भी बहुत इजी क्रैक हो गया, बट अभी KVS की वेटिंग में हूँ। और मैं आपको बता दूँ 1 घंटा पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया आज, अगर आप अभी से अपनी आदत बना के रखेंगे तो आप लोगों को मतलब एसटेट क्रैक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आराम से कर लेंगे और सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही कर पाएंगे, क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है और एसटेट का सिलेबस है बहुत ही कॉमन है। जैसे कि CDP हो गया, CDP से कई क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सुपर टेट में देखने को मिलेंगे, और साथ में हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके अंदर ग्रामर जो है वो आपको सुपर टेट में देखने को मिलेंगे, GK GS सब आपको सुपर टेट में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे 100 से कम नंबर हैं तो क्या हमें क्या हमको सीटेट का एग्ज़ाम दोबारा देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि उसका 1/4 सुपर टेट में जुड़ेगा या नहीं। सो गाइस, अगर आपके 100 के आसपास मार्क्स हैं तो आप अपने सुपर टेट की तैयारी करें। अगर आप चाहते हैं सुपर टेट की तैयारी करेंगे, साथ साथ में ही आपकी सीटेट की
प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी और आपने पहले भी एग्ज़ाम दे रखा है, क्रैक कर रखा है, तो आपको कोई टफ नहीं लगेगा। आप सुपर टेट की तैयारी करिए, बट आप सीटेट के चक्कर में ज़्यादा ना रहिए, क्योंकि ऐसा है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एस टेट क्रैक करके बैठे हुए हैं और वो आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो मेरा कहना यही है, अगर आपके 100 के आस पास ही मार्क्स हैं तो आप अपना सुपर टेट की तैयारी करें, या DSSS की वैकेंसी की तैयारी करें, या अदर टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। निन्नी आ रही है, निन्नी आ रही, बाबू को सोना है, कैसे सोओगे, सोना कैसे है, निन्नी आ रही है, सो जाओ, आइज क्लोज करो, सो जाओ, अब इसको नींद आ रही, सो जाओ, पर आप सो जाओगे तो दोपहर को आराम नहीं करने दोगे, है ना, खड़े हो जाओ, डांस करो, आप भी उठ जाओ। अभी यक्ष को ना नींद आ रही है और मैं इसको सोने नहीं दूंगी, अगर ये सो गया ना तो फिर बिल्कुल भी दोपहर को रेस्ट करने को नहीं देता है। तो चलिए मैं आपको रूम दिखा देती हूँ अपना, ये मेरा रूम है, अभी पेंट वगैरह हो रहा है इसके अंदर, और ये ठेकेदार साहब हैं और ये भैया वगैरह लगे हैं काम पे, गेट वगैरह पेंट कर रहे हैं। सो अभी हमको ये कलर समझ में नहीं आ रहा है तो हम सोच रहे हैं कलर चेंज कराने के लिए, अभी डिसीजन देखो क्या होता है। और पूरा घर अस्त व्यस्त फैला हुआ है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये मेरे घर की सीढ़ी की हालत देखो, पूरा सामान से भरा हुआ है और पूरा घर सफ़ेद सफ़ेद, गंद बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पढ़ाई भी में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाई तो मैंने स्टार्ट कर दी है और कंटिन्यू 1 से 2 घंटे पढ़ूँगी। बाबू को मैं जगा रही हूँ, एक मुझको दे दो, एक मेरे को दे दो, मम्मी खाएंगी, मुझे नहीं दोगे, मुझे लग रहा है फ़ोन ना ख़राब होने वाला है। ला बेटा मेरे को भी दो, मम्मा को एक, एक मेरे को दो, एक आप खा लो, एक यक्ष खा लेगा, एक मम्मा खाएगी, लड़ाई नहीं करनी है। मैं खा लूँ, मैं खा लूँ बाबू, अच्छा लो, मैं नहीं खा रही, खा लो।